हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एजे। आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इन जावा एपीआई। ओके, जावा सर्वलेट एपीआई क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स, टूल्स, इंटरफेसेस, मेथड, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होने वाले, सभी हम इसके अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जावा सर्वर के अंदर सर्वलेट एपीआई, ओके, सर्वलेट एपीआई, देन सर्वलेट लाइफ साइकिल, ये भी इसी चैप्टर के अंदर कवर होगा, बस इस वीडियो के अंदर नहीं। तो सर्वर एपीआई बहुत बड़ा कंसेप्ट है। बेसिकली एपीआई स्टैंड फॉर सर्वलेट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जो इंटरफेस कीवर्ड है उसके अकॉर्डिंगली नंबर्स ऑफ इंटरफेस हम इसके अंदर देखने मिलने वाले, विच इज द क्लास लाइब्रेरी, जैसे बेसिक क्लासेस एंड इंटरफेस के अंदर इंक्लूड होंगे एंड इट्स इम्प्लीमेंट ऑन अ सर्वलेट। नंबर्स ऑफ डिफरेंट ए पी आई के अंदर हम देखने वाले। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, जावा प्रोवाइड अ सर्वलेट ए पी आई विच अ क्लास लाइब्रेरी इन द सेंस बेसिक क्लासेस एंड इट्स इंटरफेसेस। जस्ट लाइक आपको पता होगा कि सी, सी प्लस प्लस, जो भी आप, या पाइथन, जो भी नंबर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज आपने देखे होंगे कि उसके अंदर जो भी नंबर्स ऑफ मेथड्स आपको कॉल करने होते हैं, उस पर्पज़ के लिए हमें क्या करना पता है, नॉर्मल जो हमारा क्लास लाइब्रेरी है, नंबर्स ऑफ लाइब्रेरी, उसके अंदर वो सभी डेटा उसके अंदर फेच करना होता है। तो सिमिलर इसके अंदर जो क्लास लाइब्रेरी प्रोवाइड करने वाला है हमारा जावा, दैट इज सर्वलेट एप्लीकेशन के लिए, सो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देन नेक्स्ट, द जावा ए पी आई फॉर्म अ स्टैंडर्ड इंटरफेस। ओके, स्टैंडर्ड इंटरफेस किसके लिए प्रोवाइड करेगा, फॉर डेवलपिंग अ वेब एप्लीकेशन रिगार्डलेस ऑफ एन अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ एन जावा ए पी आई इट इज नॉट पॉसिबल टू अ डेवलप अ डायनेमिक एप्लीकेशन। कि विदाउट आवर जावा ए पी आई हम कोई भी डायनेमिक एप्लीकेशन इसके अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। इन द सेंस चेंजेबल जो भी इंफॉर्मेशन चेंज होते हैं, दैट इज एन डायनेमिक। नॉर्मल स्टैटिक जो इन्फॉर्मेशन एज इट इज, जो चेंज नहीं होती रहती है स्टैटिक। विदाउट जावा ए पी आई सर्वलेट ए पी आई हम जावा के अंदर डायनेमिक एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर सकते। दिस जावा ए पी आई कंसिस्ट अ सेट ऑफ इम्पोर्टेंट इंटरफेस दैट कैन बी इम्प्लीमेंट इन अ डिफरेंट एरिया सो दैट द डेवलपर कैन कन्वीनियंट टू बिल्ड अ जावा पावर्ड एप्लीकेशन। इसके अंदर हमने डिफरेंट सेट्स, ओके, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंटरफेस क्रिएट करिए, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी डेवलपर या बिल्डर होगा, जो एप्लीकेशन को बिल्ड करेगा, डेवलप करेगा, इजी वे में यहाँ पे उस एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकता है एंड उसको यूज कर सकता है। द सर्वलेट कैन एक्सेस अ एंटायर फैमिली ऑफ जावा ए पी आई। तो जावा ए पी आई की फैमिली में क्या क्या होने वाला है, द जावा सर्वलेट ए पी आई इज द क्लास लाइब्रेरी यूजिंग यूजिंग विच रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोसेसेस के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को कंस्ट्रक्ट करेगा डायनेमिकली एंड द ए पी आई दस हेल्प टू डिफाइन द एक्सपेक्टेड इंटरेक्शन ऑफ एन वेब कंटेनर्स ऑफ एन सर्वलेट। जो भी वेब कंटेनर है उसको इंटरैक्शन करने के लिए हम यहाँ पे ए पी आई यूज करेंगे। तो नॉर्मल जो बेसिक जो डायग्राम हो गया हमारे ए पी आई के लिए, डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम विजिबल है सबको, सिंपल डायग्राम है जावा ए पी आई। ओके, थोड़ा सा एंगल चेंज। सर्वलेट जावा लैंग्वेज डॉट ऑब्जेक्ट जो मेन फाइल है, देन जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट जेनरिक सर्वलेट, देन उसके अंदर डिफरेंट पैकेजेस, इंटरप्राइज एंड क्लासेस। ओके, तो कौन कौन सा पैकेज है इसके अंदर, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार, ये पैकेज हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा फॉर एन इंटर सर्वलेट ए पी आई। देन उसके लिए कौन कौन से इंटरफेस हमें लगने वाले, तो बेसिक सर्वलेट, देन सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, सर्वलेट कॉन्फिग एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स। ओके, पांच इंटरफेस हमें इसके अंदर लगने वाले। तो जित एंड उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड जो भी है वो हम देखेंगे। देन क्लासेस कौन से यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे जेनरिक क्लास, सर्वलेट इनपुट, सर्वलेट आउटपुट। ओके, सिमिलर गोज फॉर एन एच टी टी पी, कि जो हमारा एच टी टी पी सर्वलेट होगा
उसके लिए क्या क्या लगेगा, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स, एचटीटीपी सेशन, एचटीटीपी सेशन बाइंडिंग लिस्नर एंड एचटीटीपी सेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, डिफरेंट 5 इंटरफेस उसके अंदर लगेंगे या होने वाले। देन नेक्स्ट फॉर एन एचटीटीपी क्लासेस कौन कौन से, कुकीज, एचटीटीपी सर्वलेट एंड एचटीटीपी सेशन बाइंड इवेंट। ओके, डिफरेंट क्लासेस उसके अंदर प्रेजेंट होने वाले। सो देखते, ओके, इसी डायग्राम को हमें क्या करना है, इलेबोरेट करना है कि जो पैकेजेस है, द पैकेजेस देखेंगे, देन इंटरफेस देखेंगे एंड क्लासेस देखेंगे। फिलहाल ये बहुत लेंदी प्रोसेस होने वाला है। सो इस वीडियो के अंदर आपको 2 इंटरफेस देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक सर्वलेट कॉन्फिग, ओके, एंड सर्वलेट कॉन्टेक्ट। 2 ही API इसके अंदर प्रेजेंट है, इंटरफेस है। बाकी के इंटरफेस हमने जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम कवर करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो जावा डॉट सर्वलेट डॉट पैकेज, तो फर्स्ट पैकेज के अंदर क्या क्या है, कब इन्वेंट हुआ। ओके, देन नेक्स्ट हम इसके अंदर पार्ट देखते हैं, जावा एक्स के, जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज, कि जावा एक्स सर्वलेट पैकेज के अंदर क्या क्या चीजें होने वाले। इट इज द कोर, इट इज एन कोर ऑफ द सर्वलेट API, बेसिकली जो हमारा सर्वलेट API इसके ऊपर ही डिपेंड होने वाला है, ये पैकेज यूज करना है। ओके, इसके अंदर कौन कौन से क्लासेस होने वाले, फॉरेन कम्युनिकेशन पर्पज, बी यू द सर्वर रिक्वेस्ट, ओके, कम्युनिकेशन विथ होस्ट एंड सर्वर क्लाइंट, फॉरेन सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, ओके, ये होस्ट के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, इन द सेंस सर्वर टू क्लाइंट एंड ओनली फॉर क्लाइंट वी यू द सर्वलेट इनपुट एंड सर्वलेट आउटपुट स्ट्रीम। ओके, इस सिर्फ क्लासेस के नेम इसके अंदर हम देखेंगे या कौन कौन से क्लासेस। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होने वाला है, दैट इज एन सर्वलेट इंटरफेस। ओके, ये सिंपल है कि कंसेप्टली पैकेज के अंदर कौन कौन से इंटरफेस, पैकेज के अंदर कौन कौन से डिफरेंट क्लासेस है एंड कौन कौन से इंटरफेस है। नॉर्मली पता है कि पैकेज के अंदर यही डेटा हम सेव करते, तो वही डेटा हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। इतने जेनरिक सर्वलेट क्लास है जिसके अंदर हमने सर्वलेट का डेटा या सर्वलेट के इंटरफेस इसके अंदर प्रेजेंट होने वाले। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते, दैट इज एन सर्वलेट इंटरफेस। सो सर्वलेट इंटरफेस क्या है, सर्वलेट इंटरफेस इट इज एन कलेक्शन ऑफ एन एम्प्टी मेथड सिग्नेचर। इसके अंदर क्या है, एम्प्टी मेथड ऑफ सिग्नेचर प्रेजेंट होने। द सर्वलेट मस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंट ऑन सर्वलेट इंटरफेस एंड द, इसके अंदर क्या एक्चुअल टास्क हम परफॉर्म करें, दिस इंटरफेस होल्ड द मेथड सिग्नेचर दैट ब्रिंग द फॉलोइंग सर्वर फंक्शनैलिटी। की कौन से 3 टाइप्स के फंक्शनैलिटी इसके अंदर परफॉर्म होने वाले। सो देखते, फर्स्ट दैट इज एन इनिशियलाइजेशन ऑफ सर्वर, सेकेंड दैट इज द हैंडलिंग ऑफ क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड थर्ड इज अ डिस्ट्रॉइंग ऑफ एन सर्वलेट। इस सर्वलेट को इनिशियलाइज करना होगा, हैंडल करना होगा एंड डिस्ट्रॉय करना होगा। इसके लिए डिफरेंट मेथड भी हमारे पास अवेलेबल है। सो मेथड के तरफ जाते हैं कि कौन कौन से मेथड, इसके कोई भी स्टेप के अंदर आपको डाउट आ जाए तो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट कि कौन कौन से मेथड, तो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन मेथड, इट इज द यूज फर्स्ट इज एन इनिशियलाइजेशन मेथड, इट इज द यूज टू इनिशियलाइज द सर्वलेट पैरामीटर्स प्रोवाइडेड बाय द सर्वलेट कॉन्फिगर ऑब्जेक्ट। जो हमारा सर्वलेट कॉन्फिगर ऑब्जेक्ट होगा उसने स्पेसिफिकली वैल्यू यहाँ पे पास की होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को या सर्वलेट को यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। इट इज कॉल्ड ओनली वंस व्हेन द सर्वलेट इज फर्स्ट लोडेड, कि फर्स्ट टाइम जब हमारा सर्वलेट लोड होने होगा उसी टाइम हम इसको कॉल करेंगे, अदरवाइज इसको कॉल नहीं करेंगे। इट इज अ कॉमनली यूज टू इनिशियलाइज द रिसोर्स टू बी यूज बाय द सर्वलेट व्हेन अ रिक्वेस्ट आर रिसीव। स्पेसिफिकली जो रिक्वेस्ट है वो रिसीव होने के बाद हमें एक जो हमारे रिसोर्सेस है या सर्वलेट है उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पे रिक्वेस्ट ये मेथड कॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम देख सकते हैं कि डेटाबेस और नेटवर्क कनेक्शन,
फाइल इनिशियलाइजेशन और एनी एनवायरमेंटल सेटिंग हमें करनी होगी, तो उसको बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन हमने कॉल करने का जो भी पैरामीटर पास किया है उसकी वैल्यू वहाँ पे असाइन हो जाएगी। देन नेक्स्ट दैट इज अ डिस्ट्रॉय, इन अ डिस्ट्रॉय नेम सजेस्ट दैट इज कॉल ओनली वंस इमीडिएटली बिफोर द सर्वलेट इज अनलोडेड। ओके, इनिशियलाइजेशन फॉर लोडिंग पर्पज, डिस्ट्रॉय फॉर अनलोडिंग पर्पज। इनिशियलाइजेशन के अंदर हम वैल्यू ऐड करते हैं, सेट करते हैं, एंड डिस्ट्रॉय के अंदर हम वैल्यू क्लियर करते हैं। ओके, इट इज यूज टू क्लियर और रिटेन अ रिसोर्स एज अ मेमरी, डेटाबेस कनेक्शन, थ्रेड्स, फाइल्स हैंडल एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स ऑफ वैल्यू हमने असाइन किए यूज किए उसको एज इट इज अनलोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे डिस्ट्रॉय यूज करेंगे। देन नेक्स्ट दैट इज एन सर्विस, सर्विस के अंदर क्या, इट इज एन एक्चुअल हार्ट ऑफ HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल। कि जो भी टास्क परफॉर्म होगा, कि जो भी ऑपरेशन की रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स जो भी वैल्यू पास होने वाली है किस तरह से होगी, वाया सर्विस मेथड। इट्स कॉल्ड टू हैंडल अ सिंगल क्लाइंट रिक्वेस्ट, कि स्पेसिफिकली जो क्लाइंट होगा उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे सर्विस कॉल करेंगे। सर्वलेट रिसीव अ रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन थ्रू अ सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड सेंड बैक टू द क्लाइंट थ्रू अ सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। कि हम वैल्यू कहाँ से लेंगे, हमारे सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से, एंड जो सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होगा उसको बैक टू सेंड बैक करेंगे इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट दैट इज एन गेट सर्वलेट कॉन्फिगर। ओके, इन द गेट सर्वलेट कॉन्फिगर इट प्रोवाइड अ सर्वलेट कॉन्फिगेशन ऑब्जेक्ट फॉर एन इनिशियलाइजेशन ऑफ एन पैरामीटर्स। जो भी पैरामीटर्स हमारे पास है जो हमने इनिशियलाइज किए उसकी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करने के लिए, गेट करने के लिए, ट्राइव करने के लिए हम गेट पैरामीटर गेट सर्वलेट कॉन्फिगर यहाँ पे कॉल करेंगे। देन नेक्स्ट लास्ट मेथड दैट इज एन गेट सर्वलेट इंफॉर्मेशन। ओके, इट विल प्रोवाइड और रिटर्न्स द मेटा डेटा। ओके, मेटा डेटा इन द सेंस क्या होगा, सच एज ऑथर, ऑथर का नाम हो सकता है कि स्पेसिफिक सर्वलेट का ऑथर कौन है, सर्वलेट का वर्जन हो सकता है, एंड ऑथर कॉपीराइट जो भी इंफॉर्मेशन है सभी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे वाया गेट सर्वर इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट इंटरफेस देखते दैट इज एन सर्वलेट कॉन्फिगर इंटरफेस। ओके, कॉन्फिगर इन द सेंस सिंपल, इट्स हेल्प टू कॉन्फिग सर्वर इनिशियलाइजेशन एंड कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन। के जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली सर्वलेट को कॉन्फिगर करने के लिए हम यहाँ पे कहेंगे सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस। ओके, इसका यूज क्या है, सीरीज ऑफ एन इंफॉर्मेशन इनिशियलाइजेशन ऑफ पैरामीटर एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ सर्वर इन्वायरमेंट। कि जो भी सर्वर इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कौन कौन से कंटेंट हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं, जो भी डेटा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसके अंदर भी बेसिक कुछ मेथड्स है। सो मेथड, फर्स्ट मेथड इज गेट सर्वलेट नेम, कि रिटर्न द नेम ऑफ द सर्वलेट इंस्टेंस, कौन से नेम का इंस्टेंस हम यहाँ पे यूज़ करें, सर्वलेट यूज़ करें, जो सर्वलेट का नाम यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। देन सेकेंड द गेट इनिट पैरामीटर्स इज रिटर्न द नेम और वैल्यू ऑफ द नेम सर्वलेट इनिशियलाइज द पैरामीटर्स। एंड थर्ड इज इट इज इनिशियलाइजेशन पैरामीटर नेम, कि जो भी हमने पैरामीटर्स पास किएंगे उसका एक्चुअल नेम। ओके, दो टाइप्स के नेम्स होते हैं, एक तो जो डिस्प्ले होने वाले एंड जो एक्चुअल वैल्यू वाले, सो उसके अकॉर्डिंगली एक के अंदर क्या होगा, जो एक्चुअल नेम पैरामीटर्स की वैल्यू एंड पैरामीटर्स के नेम एंड फर्स्ट के अंदर जो आपके सर्वलेट का नाम है वो यहाँ पे लिख जाएगा। देन लास्ट दैट इज एन गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इज रिटर्न रेफर्स ऑफ द सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इन विच द कॉलर इज एग्जीक्यूटिंग। स्पेसिफिकली कौन सा कॉलर है या कौन सा क्लाइंट है जो स्पेसिफिकली इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। कि आपको कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन होगा तो
तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इफ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।